अघोषित विद्युत कटौती से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इसी को लेकर गोवर्धन में आजाद हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विद्युत विभाग को चेतावनी दी कि वो जल्दी से अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ले। एक तरफ तो इंद्रदेव की नाराजगी से जनता झुलसती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। जब श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे तो राज्य में 24 घंटे में से लगभग 22 घंटे विद्युत सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन आज विद्युत की स्थिति ये है कि पूरे 24 घंटे में लगभग 10 से 15 घंटे ही विद्युत आपूर्ति हो रही है, जिसके चलते परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के साथ घटनाओं और दुर्घटनाओं में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर आजाद हिंद सेना के अध्यक्ष सौरभ लंबरदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परिक्रमा मार्ग में विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आपराधिक मामलों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। महिला श्रद्धालुओं के साथ छेड़खानी, लूट, चोरी की घटनाओं में आए दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। अघोषित विद्युत कटौती दिन के साथ साथ रात में भी हो रही है। इसी का फायदा अराजक तत्व उठाकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, जो कि पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। सौरभ लंबरदार ने कहा कि विद्युत आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं की गई तो वो अपनी टीम के साथ गोवर्धन विद्युत खंड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ लंबरदार। आपके द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी कि यदि विद्युत विभाग द्वारा यदि अपनी कमियों को नहीं सुधारा जाएगा तो आप जल्दी से धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, गर्मी का माहौल इस समय इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और जो हमारे यहाँ यात्री परदेशी बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ठंडे पानी तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? बिजली की वजह से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ श्रद्धालु भी परेशान है, रात्रि में लाइट चली जाती है, परिक्रमा मार्ग में छेड़ा खानी हमारी बहन बेटियों के साथ में परिक्रमा मार्ग आते हैं उनके साथ में कोई भी कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही है लाइट की वजह से। तो ये बिजली की व्यवस्था गर्मी में बढ़ानी चाहिए। पहले मंत्री थे श्रीकांत शर्मा जी, तो बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जब क्योला कहाँ से आ गया, अब क्योला कहाँ गायब हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ बिजली की व्यवस्था सही दी जाए। बिजली विभाग को कहना चाहता हूँ, नहीं तो हमारी टीम जाके धरना प्रदर्शन करेगी और जाकर के बिजली विभाग को घेर लेगी। जो भी अधिकारी है उनके वहाँ ताला लगा दिया जाएगा जब तक बिजली विभाग अपनी जो कमियों को नहीं सुधारेगा।